गुरुग्राम की सोना नगर परिषद के चेयरपर्सन और पार्षदों के चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी सोना नगर परिषद चेयरपर्सन पद के लिए ललिता जवाहरलाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। ललिता जवाहरलाल ने सोना में डोर टू डोर अभियान शुरू करते हुए ज्यादा से ज्यादा विकास करवाने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही है। हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार से खास बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा ललिता जवाहरलाल ने, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वी न्यूज गुरुग्राम। सोना में चुनावी आगाज हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललिता मौजूद है, जो आम आदमी पार्टी से चेयरपर्सन के लिए चुनाव लड़ रही हैं। किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं सोना में, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी ने आपका प्रत्याशी बनाया है? सर, जो मैंने मुद्दे देखे हैं, ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड मैंने देखा है। वहाँ पे कूड़ा करकट इतना पड़ा होता है, वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आता, लाइट का इतना कट लगा हुआ है, पानी में झाग आते हैं, पीने लायक पानी नहीं होता, हर कोई आरोज अफोर्ड नहीं कर पाता। तो सर, जो नॉर्मल लेबर क्लास है उनके लिए भी सर नॉर्मल पीने लायक पानी आना चाहिए, सभी के लिए आना चाहिए, यही मेन मुद्दे हैं वहाँ पे। तो मैं इन्हीं पे ही, अगर सोनावासियों ने मुझे मौका दिया तो मैं इन्हीं पे कार्य करना चाहूँगी। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, आप मतदाताओं के पास जा रहे हैं, किस तरह का रुझान देखते हैं और पार्टी को लेकर किस तरह का रुझान देखते हैं आप? सर, जैसे कि मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी मेरे साथ हैं, यूथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, सभी मुझे आश्वासन दिला रहे हैं कि अब की बार बेटी को लेके आना है, देश को सोना को बचाना है, विकास कराना है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सभी ने मुझे आश्वासन दिया है कि सोना की बेटी को अब की बार जीत दिलाएंगे। किस पार्टी से टक्कर मानते हैं, किस कैंडिडेट से टक्कर मानते हैं आप? सर, बीजेपी को ही मैं अपना टक्कर मानती हूँ आज की डेट में। पर सर, मेरे को ये कहना चाहूँगी, बीजेपी की सरकार है फिर भी सर इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, लाइट से लोग इतने परेशान हैं, पानी के कट से स्ट्रीट लाइट हो गई सर, उससे इतने परेशान हैं, बीजेपी की सरकार होने के बाद भी सर इतना लोगों को परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इस बार बिल्कुल जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट अब चुना जाएगा, चेयरमैन को डायरेक्ट चुना जाएगा, पहले पार्षद चुनते थे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? सर, ये बहुत अच्छा फैसला लिया है सर, जैसे कि पहले पार्षद चुनते थे, अब डायरेक्ट पीपल इलेक्ट करेंगे, तो सर अपना ठीक से कैंडिडेट चुन पाएंगे ताकि देश का विकास हो सके। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो कौन कौन सी प्राथमिकता रहेगी विकास कार्यों को लेकर आपकी? सर, सबसे पहले तो मेरा चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू है, तो सर सबसे पहले मैं गंदगी को ही साफ करने का प्रयास करूँगी। क्या कहेंगे कि सोना पहले काफ़ी जिस तरह से पिछड़ा हुआ लग रहा था, और अब कैसा देखते हैं कि अब विकास हो पाएगा वहाँ पर? सर, मैं विकास करने का पूरा प्रयास करूंगी अगर सोनावासियों ने मेरा साथ दिया तो। क्या संदेश देना चाहोगे सोनावासियों? सर, मैं यही संदेश देना चाहूंगी, अब की बार आपकी बेटी आपका अभिमान है, अगर आपने अपनी बेटी को मौका दिया, मैं सच में कार्य करूंगी, एक बार मौका देके जरूर देखें अपनी सोना की बेटी को, मैं आगे बनूंगी तो आगे और बेटियों का भविष्य उज्ज्वल होगा, यही कहना चाहूंगी। ये थी हमारे साथ ललिता जवाहरलाल, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है, और ऐसे में साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर जनता इनको चुनती है तो ये सोना का उम्दा विकास करेंगी। अब ऐसे में देखना होगा कि 19 तारीख को मतदान होगा, किसकी किस्मत का ताला खुलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार।